Good morning to all of you. Today we will discuss about current affair of April 2021. आज हम अप्रैल का करंट अफेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, व्हेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व. अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल. 22 अप्रैल को करंट आपका अर्थ डे को मनाया जाता है. 22 अप्रैल. सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंडियन माउंटेनियर प्रियंका मोहित हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल व्हिच पीक. तो इंडियन माउंटेनियर प्रियंका मोहित ने तो कौन सा पीक तक उन्होंने चढ़ लिए हैं? ठीक है, कंचनजंगा. कंचनजंगा पीक आपको पता होगा, कंचनजंगा पीक है, वो वहां तक चढ़ चुके हैं. ठीक है, प्रियंका मोहित. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021. तो इंडिया का क्या रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? 87 रैंक है इंडिया का. 87 रैंक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर. तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, 23 अप्रैल. याद रखना, हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नास्कम. नास्कम का चेयरपर्सन कौन है? रेखा एम मेनन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 142 रैंक में है इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, इन इंडिया 14 अप्रैल इज ऑब्जर्व द एनिवर्सरी ऑफ व्हिच इंडियन लीडर. कौन सा इंडियन लीडर है जिनका एनिवर्सरी 14 अप्रैल में मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर का एनिवर्सरी हम 14 अप्रैल को मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, Who has been named to become the next Chief Election Commission (CEC) of India? Chief Election Commission जो है organization, ठीक है, Chief Election Commission. Who has been named to become the next Chief? Next Chief Election Commission का मतलब है कौन हो? ठीक है, सुशील चंद्रा अभी है चेयरपर्सन, सुशील चंद्रा. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ संस्कृत लर्निंग ऑफ लिटिल गुरु. संस्कृत लर्निंग ऑफ लिटिल गुरु अ संस्कृत लर्निंग ऑफ लिटिल गुरु हैज लॉन्च्ड इन डैश बाय द इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया. ये जो संस्कृत लर्निंग ऐप है लिटिल गुरु नाम का, ये जो लॉन्च हुआ था कहाँ पे हुआ था? ठीक है, इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर ने इसको लॉन्च किया था. कहाँ पे? बांग्लादेश. क्वेश्चन 10 है, बॉलीवुड एक्टर्स डैश हैज बीन
made the brand ambassador for Punjab's anti-coronavirus vaccination program. Anti-coronavirus vaccination program है पंजाब का है, ठीक है, पंजाब का anti-coronavirus vaccination program है. जो बॉलीवुड एक्टर है किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, सोनू सूद. ये आपका बॉलीवुड एक्टर है सोनू सूद, इनको ब्रांड एम्बेसडर पर पंजाब शांति कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम में जानते हैं. ये 10 क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर अप्रैल. उसके साथ साथ एक चीज हम देख लेते हैं, ये पेज आपको दिख रहा होगा कि एनिमल्स का कुछ क्या है ऑर्गन है कि जो उसको हेल्प करता है एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, ठीक है. यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये फिगर क्या है, मैं किसका है ये फिगर आप जो देख रहे हो, ये क्रोकोडाइल का है, ठीक है. ये सब क्या है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एलिगेटर भी कहते हैं उसको, ठीक है. ये एलिगेटर है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. और ये शिकार कैसे करते हैं ना, पूरा खुद को शांत करके एक जगह पे पड़े रहते हैं, ठीक है, बाय लाइंग स्टिल एंड वेटिंग. वो वेट करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं शांति से, ताकि पता ही ना चले कि वहाँ पे एक एलिगेटर है. तो इसमें से क्या होता है ना, उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने के लिए नहीं पड़ता है, बस एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, तो इतना एनर्जी वो लॉस नहीं करते हैं. तो उनको क्या है ना, जो चांसेस जो है क्या फूड लेने के चांसेस बहुत कम होगा. अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे इधर उधर घूमेंगे तभी तो शिकार कर पाएंगे, एक ही जगह पर पड़े रहेंगे, कोई आए तो उसको खा जाए, ठीक है. तो इस टाइप का वो शिकार करते हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी क्या एफर्ट करने के लिए नहीं पड़ता है, अप्लाई नहीं करते हैं, और इसके लिए उनको भी कम क्या होता है ना शिकार मिलता है, ठीक है. लेकिन उनको ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिगर जो राइट साइड में, ये क्या है ना, इसमें से जो दे रखे हैं, एक तो एलिफेंट है एक फॉक्स है, ठीक है. ब्लू व्हेल्स प्रोड्यूस साउंड दैट कैन ट्रैवल फॉर द हंड्रेड्स ऑफ माइल. ब्लू व्हेल्स पता होगा समुद्र में रहते हैं, और वो क्या करते हैं ना, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. वो साउंड से वो क्या करते हैं ना, शिकार करते हैं. साउंड बहुत क्या होता है ना, हंड्रेड्स माइल तक वो साउंड जाता है. वो उनका एक क्या है स्पेसिफिक फीचर्स है ब्लू व्हेल का. देन द लार्ज ईयर ऑफ द फेनिक फॉक्स, ये जो फिगर आप देख रहे हो फेनिक फॉक्स का, ये बड़ा बड़ा कान है, ये उनको कैसे हेल्प करता है ना, हेल्प इट टू डिटेक्ट इट्स द प्रे इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में वो अपना प्रे को शिकार को डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है. क्योंकि कान को इधर उधर घुमाएंगे और आवाज़ से उनको बहुत कितने भी स्लो आवाज हो उनको सुनाई देता है, ठीक है. घुमाते हैं कान को इधर उधर आगे पीछे करके, उनको वो डिटेक्ट कर लेते हैं प्रे को डेजर्ट एरिया में, ठीक है, अपना शिकार को. बर्कफुट में भी वेरी स्कैर्स इन सम मामल्स. मामल्स में से देखो एलिफेंट जो है, अफ्रीकन एलिफेंट, उनका कान देखो कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है. द ईयर फ्लाप्स आर वेरी लार्ज, ये देखो कान बहुत बड़े बड़े हैं. वो क्या करते हैं फ्लैपिंग करके खुद को कूल रखते हैं, क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़े हैं और उनका स्किन भी बहुत मोटा है, उनको गर्मी लगता है, गर्मी से खुद को बचाते हैं कैसे ना, ये जो बड़े बड़े कान है पंखे की तरह काम करता है, वो फ्लैपिंग करते हैं तो उसमें से उनका हवा लगती है, ठीक है. ये हैं उनका स्पेशल फीचर्स. तो इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है क्विक क्विज. तो व्हाट आर द थ्री मेन काइंड्स ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट है हमारे शरीर में से तीन मेन काइंड जॉइंट का नाम लिखना है, ठीक है. यहाँ पे लिखा गया है क्या, फाइब्रस कार्टिलेजिनस एंड साइनोवायल जॉइंट्स. नेक्स्ट आपका है व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब आपको पता होगा जो आपका क्या है सीने में क्या होता है ना, लास्ट टू बोन्स फ्रॉम द रिब्स व्हिच आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन. तो आपका जो हड्डियाँ हैं कहाँ पे सीने में, लास्ट का जो दो हड्डी है वो फ्लोटिंग स्टेज में रहते हैं, वो ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं है,